गुजरात में आज लगातार पांचवें दिन भी आफत की बारिश, वलसाड़, सूरत और नवसारी में हालात खराब। नवसारी में पिछले 24 घंटे में 159 मिलीमीटर बारिश, जबकि डांग में 256 मिलीमीटर की बारिश। सूरत में सड़क को बचाने की तरकीब हुई नाकाम, बारिश के जोर के आगे धराशायी हुई दीवार। राजकोट में 3 घंटे में 8 इंच बारिश से पानी पानी हुआ शहर, प्रशासन ने 300 लोगों को बचाया। गुजरात के सूरत में बारिश ने कोली प्रशासन की नाकामी, स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम को नुकसान। गुजरात में आज भी मूसलाधार बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। राजस्थान के झालावाड़ में हाईवे पर भरा पानी, तहसील कार्यालय में भी जलजमाव, जनजीवन ठप। झालावाड़ के खानपुर तहसील में बारिश के बाद बाढ़ से हालात, 12 शिवपुरी हाईवे और कई अन्य सड़कें बंद। मूसलाधार बारिश के बाद देव शहर के अंदर उफनती नदी जैसा हाल, सड़कों पर जलभराव से बिगड़े हालात। देव में कई इमारतों में भी घुसे पानी से बड़ी मुसीबत, घर के अंदर से फटी पानी की तेज धारा। गुजरात के वलसाड़ में मूसलाधार बारिश के बाद औरंग नदी में जलस्तर में बढ़ोतरी, एनडीआरएफ की टीम तैनात। भरूच में 2 दिनों से हुई बारिश से कई घरों में घुसा पानी, सड़कों पर 5 फीट तक भरा पानी। भरूच में बहते पानी में फंसा युवक तेज धार के बीच से लोगों ने काफी मशक्कत के बाद बचाया। जूनागढ़ में बारिश के बाद बड़ी मुसीबत, जल जमाव के कारण रेलवे यात्री परेशान, कल एक युवक की गई जान। गुजरात में भारी बारिश के बाद अब तक 197 स्टेट हाईवे बस बंद, सबसे बड़ा असर नवसारी में, वहां 77 हाईवे ठप। राजस्थान के बारह में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर, कई बस्तियों में भी भरा पानी। मध्यप्रदेश के राजगढ़ में बारिश के पानी से लबालब भरे बाजार, निचले इलाकों में जल जमाव का संकट बढ़ने की आशंका। मध्यप्रदेश के दमोह में उफनते नाले में बहा बाइक सवार, स्थानीय लोगों की मदद से बची जान। मध्यप्रदेश के खरगोन में बाढ़ में बह गया टेम्पो, भारी बारिश के बाद पेड़ गिरने से कई दुकानें धराशायी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में 8 दिनों में 495 मिलीमीटर बारिश दर्ज, वर्धा नदी में आई बाढ़ से कई इलाकों में टूटा संपर्क। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, 300 गांव में बिजली गुल होने से छाया अंधेरा। राजस्थान के कई शहरों में मूसलाधार बारिश, 12 में दर्ज 105 मिलीमीटर बारिश, अगले 24 घंटे में पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी। सीकर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, सड़कों पर लबालब भरा पानी। उत्तराखंड के बागेश्वर में पिछले 4 दिन से आफत भरी बारिश जारी, सड़क टूटने से कई रास्ते बंद। उत्तराखंड के चंपावत में सूखी डांग में पहाड़ी दरकने से हाईवे पर रुका ट्रैफिक, अलर्ट के बाद आज स्कूलों में छुट्टी। अमरेली के सातरी नाव में तेज बहाव में बही कार, लापता कार चालक की तलाश में जुटी एनडीआरएफ की टीम। उत्तराखंड में यमुनोत्री हाईवे पर आफत की बाधा बरकरार, 250 से ज्यादा श्रद्धालु फंसे। बिहार के मुजफ्फरपुर में तिरहुत नहर का तटबंध टूटा, करीब 150 घरों में घुसा बाढ़ का पानी। उत्तर कन्नड़ जिले में पुल ढहा, लोगों को मजबूरन शव को कंधे पर ले जाना पड़ा। लुधियाना में सुबह सुबह मूसलाधार बारिश से बदला मौसम, जनजीवन पर असर। कोयम्बटूर में मॉक ड्रिल का अभ्यास कराते वक्त हादसा, मकान के छज्जे से टकराकर मैनेजमेंट छात्रा की मौत। मॉक ड्रिल के दौरान डरी सहमी दिखी लड़की, तस्वीरों में छात्रा को हल्का धक्का देते दिखा ट्रेनर। लखीमपुर खीरी में ऑपरेशन आत्मरक्षा की ट्रेनिंग, महिला पुलिस ने स्कूली छात्राओं को सिखाए मंचलों से निपटने के गुर। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर स्टील प्लांट में हादसा, जहरीले गैस के रिसाव से 6 मजदूरों की मौत, 5 की हालत गंभीर। दिल्ली में धड़क उठी जम्मू तवी राजधानी एक्सप्रेस की एक बोगी, ट्रेन रोककर यात्रियों को निकाला गया सुरक्षित। सूरत में स्कूल वैन में लगी आग, वैन में सवार 7 बच्चे झुलसे, सीएनजी में रिसाव से लगी आग। बिहार के कैमूर में युवक की हत्या मामले में खुलासा, दोस्त ही निकले हत्यारे, पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजस्थान के करौली में सरकारी स्कूल में शराब के नशे में प्रिंसिपल का हंगामा, बच्चों के साथ गाली गलौज का आरोप। शामली में एक शख्स ने गोली मारकर की सुसाइड नोट में बिजनौर के पूर्व डीएम पर लगाया पुराने नोट जबरन बदलवाने का आरोप। महाराष्ट्र के गोंदिया में 20 से 25 किलो विस्फोटक बरामद, बड़ी वारदात के फिराक में थे नक्सली।
यूपी के हापुड़ में नाबालिग छात्रा से गैंग रेप, आरोपियों ने पीड़िता का बनाया अश्लील वीडियो। नंदपुर में सिर फिरे आशिक ने प्रेमिका को उसके बर्थडे के दिन चाकू से गोदा, किसी और लड़की से बात करने पर हमला, पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के मंडावली में 50 लाख की चोरी, गहने और नगद ले उड़े बदमाश। मध्य प्रदेश के बैतूल में 3 दिन से लापता युवक की मौत के बाद बवाल, लोगों ने शराब की 2 दुकानों को फूंका। मध्य प्रदेश के दमोह में मिड डे मील खाने से 50 से ज्यादा छात्र पहुंचे अस्पताल, सरकारी स्कूल के शिक्षकों पर जहरीला खाना परोसने का आरोप। टीकमगढ़ में जमीन विवाद में अगवा कर लड़की से गैंगरेप, मामा समेत 4 लोगों पर आरोप, लड़की की हालत गंभीर। झारखंड के गिरिडीह में तालाब में डूबने से 2 बच्चियों की मौत, पैर फिसलने से हादसा। धनबाद में 2 दर्जन रसल वाइपर प्रजाति के साथ मिलने से हड़कंप, वन कर्मियों ने किया रेस्क्यू। राजस्थान के अजमेर में हिस्ट्री शीटर सहित 2 बदमाश गिरफ्तार, हथियार समेत चोरी की बाइक बरामद। मध्य प्रदेश के रायसेन में पुलिस कस्टडी से भागा बदमाश, एसपी ने 2 कांस्टेबलों को किया सस्पेंड। आगरा जेल में बंद कैदी ने की खुदकुशी, आजीवन कारावास की काट रहा था सजा। दिल्ली में एकतरफा प्यार में सनकी आशिक ने सरेआम लड़की को पीटा, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। दिल्ली में 11 लोगों की खुदकुशी के मामले में किसी तांत्रिक के शामिल होने से पुलिस का इनकार, सभी मौत फांसी लगाने से हुई। दिल्ली में लोगों को जबरन किन्नर बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने सरगना को दबोचा। हत्या के मामले में फरार चल रहा 1 लाख का इनामी बदमाश, पाली चढ़ा एसटीएफ के हत्थे, रोहतक से हुई गिरफ्तारी। उधम सिंह नगर में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने 3 लड़कों को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में मानव तस्करी का भंडाफोड़, बदमाशों के चंगुल से भागी 4 नाबालिग लड़कियां। कानपुर में हत्या के विरोध में जान लगाए भीड़ ने दारोगा और सिपाहियों को दौड़ाया, मौके से भागे वर्दीधारी। अलीगढ़ में सीओ दफ्तर के 300 मीटर के दायरे में युवक की गोली मारकर हत्या, घर से बुलाकर की हत्या। पंजाब के लुधियाना में हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, एसटीएफ ने की गिरफ्तारी। अगरतला स्टेशन से भारी मात्रा में गांजा के साथ 2 युवक गिरफ्तार, ट्रेन के जरिए कर रहे थे तस्करी। कानपुर में सीबीआई टीम ने घूस लेते आयकर अधिकारी को रंगे हाथ पकड़ा, 20,000 की रकम मौके से बरामद। मध्य प्रदेश के रायसेन में 5 साल की बच्ची की स्कूल में पिटाई की के बाद मौत, पुलिस ने टीचर को किया गिरफ्तार। हाथरस में तार पोल से भरे टैंकर और ट्रक में सीधी भिड़न, हादसे के बाद ट्रक में लगी आग, ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। मुरादाबाद में अवध असम एक्सप्रेस से 7 नाबालिग बच्चे बरामद, बिहार से राजस्थान ले जाए जा रहे थे बच्चे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र को दी खुली चेतावनी, तोड़फोड़ की कोशिश हुई तो फिर लौटेंगे 90 के दशक जैसे हालात। महबूबा मुफ्ती ने कहा 1987 में चुनाव के साथ गड़बड़ी हुई तो यासिन मलिक और सलाउद्दीन पैदा हुए, इस बार हालात और होंगे खराब। बिहार में सीटों के बंटवारे के लिए डिनर पॉलिटिक्स, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अमित शाह को दिया रात्रि वोट। नीतीश कुमार के डिनर पॉलिटिक्स में दोनों पार्टियों के 20 वरिष्ठ नेता हुए शामिल, सरकार के कई मंत्रियों ने भी की शिरकत। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सीटों के मुद्दे को सुलझाने का किया दावा, बोले लाट टपकाते रहिए, नीतीश हमारे साथ ही रहेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़क निर्माण कर गुरु को दिया वचन निभाया, कानपुर के कुजवपुर गांव में मांगी थी सड़क। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारी जोरों पर, 937 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। राजस्थान के प्रतापगढ़ में टिकट बंटवारे को लेकर आपस में भिड़ गए कांग्रेस के नेता, नए चेहरों को टिकट देने पर बवाल। पार्किंग की मांग पर सोते प्रशासन को नींद से जगाने के लिए बुलढाणा में लोगों का अनोखा प्रदर्शन, लोगों ने सोकर किया विरोध। महाराष्ट्र के अकोला में महानगर पालिका की बैठक में शिवसेना और एमआईएम के पार्षद भिड़े, हाथापाई तक पहुंची नौबत। मुरैना में सरकारी अस्पताल के परिसर में खड़े ऑटो में बच्ची का जन्म, परिवार वालों ने स्वास्थ्य कर्मियों पर लगाया भर्ती न करने का आरोप। धार में बंदरों का आतंक, बंदरों के हमले में 7 लोगों को किया घायल, वन विभाग ने काबू करने के लिए लगाए पिंजरे। गुजरात के वेरावल में हिंदू मुसलमान दोस्ती की दिखी अनोखी मिसाल, मुसलमान दोस्त की बेटी को 15 साल तक पालने के बाद हिंदू दोस्त ने मुस्लिम परिवार में कराई शादी। देवघर श्रावणी मेले की तैयारियों की मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ली समीक्षा बैठक, तैयारियों का लिया जायजा।
पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में, 8000 पुलिस बलों को किया गया तैनात। छत्तीसगढ़ के धमतरी में आवारा लड़कों से परेशान लड़की ने सरकार से मांगी इच्छा मृत्यु, 2 साल से परेशान कर रहे मन चले। बिलासपुर में सड़क हादसे में 2 की मौत, 5 घायल, बारिश के चलते हाईवे पर बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई कार। रायपुर में बाल सुधार गृह से 3 बच्चे फरार, खिड़की की जाली तोड़कर फरार हुए बच्चे। भिलाई में अपहरण की झूठी खबर ने किया पुलिस की नाक में दम, कोलकाता से फोन आने के बाद अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस में घंटों चली जांच पड़ताल। 10वीं बोर्ड की कॉपियों की रीचेकिंग के बाद छत्तीसगढ़ शिक्षा बोर्ड की बड़ी गलती का खुलासा, भारत को लोकतांत्रिक देश लिखने वाले छात्रों को मिला 0, अलोकतांत्रिक देश लिखने वाले छात्रों को मिले पूरे नंबर। हरियाणा के पानीपत में एक शख्स ने दोस्त के जिम को लगाई आग, दूसरे दोस्त को मारी गोली, प्रेमिका को भगाने में साथ ना देने पर खफा था आरोपी। हरियाणा के फतेहाबाद में बाइक सवार को बचाने के चक्कर में कार सवार ट्रांसफार्मर से भिड़ा, जख्मी होकर पहुंचा अस्पताल। झज्जर में एटीएम कार्ड बदलकर रुपए निकालने वाले छात्र गिरोह का पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार। फतेहाबाद में नहर के पानी के विवाद में एक शख्स की धारदार हथियारों से हत्या, गांव के 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। गुरुग्राम में कैबिनेट मंत्री के विधानसभा क्षेत्र के गांव में गंदगी का अंबार, निकासी का इंतजाम नहीं होने से सड़कों पर भरा गंदा पानी। फरीदकोट में नशे के खिलाफ आम आदमी पार्टी की हल्ला बोल रैली, एसएसपी के दफ्तर पर दिया धरना। अमृतसर में पार्क में मिली युवक की लाश, नशे के ओवरडोज से मौत का शक। फरीदकोट में मोबाइल टावर पर चढ़ा शख्स, 3 साल से सैलरी नहीं मिलने से था नाराज। पठानकोट में गहराया पीने के पानी का संकट, गंदा पानी पीने से कई लोग हुए बीमार। फरीदकोट में शिक्षा के अधिकार पर लगा पट्टा, फीस जमा ना करने पर सरकारी स्कूल से दलित छात्रा को निकाला। कोयम्बटूर की नोयल नदी का प्रदूषण से बुरा हाल, सैकड़ों मीटर तक नदी में उठ रहा है झाग। केरल के पादरी जॉब मैथ्यू ने पुलिस के सामने किया सरेंडर, यौन शोषण का है आरोप। हैदराबाद में बच्चे के साथ बेरहमी, रोने चीखने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने मुंह में डाला मिर्ची पाउडर। कोयम्बटूर में खस्ताहाल सड़कों पर डीएमके का प्रदर्शन, गड्ढों में खेती करके जताया विरोध। तमिल अभिनेता कमल हासन ने लॉन्च की पार्टी का झंडा, मक्काल निधि मैयम के नाम से बनाई है सियासी पार्टी। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।